बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जाने जा रही हूँ पालक गोश्त, और पालक गोश्त के लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास चिकन है, 500 ग्राम मेरे पास चिकन है, ये मेरे पास पालक है, उबली हुई पालक है मेरे पास, जिसको मैंने अच्छे से जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है। ये मेरे पास 500 ग्राम मेरे पास पालक है, सिर्फ मैंने इसको पानी के अंदर डालकर दो उबाल आए और मैंने इसको बाहर निकाल कर इसकी मैंने पेस्ट बना ली। प्याज है मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, इसकी मैंने स्लाइस कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास अदरक का जो है आधा इंच का टुकड़ा है मेरे पास, और यहाँ पर लहसुन के मेरे पास 3 से 4 जवे हैं लहसुन के। यहाँ पर मेरे पास लहसुन और अदरक का पानी है, यानी कि मैंने जो टोटल जो है ना, मैंने 1 इंच का टुकड़ा यूज़ किया था अदरक का, हाफ मैंने इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया और हाफ मैंने ये इसके इसके अंदर है इसके अंदर और इसके अंदर जवे जो है लहसुन के 3 से 4 इसके अंदर हैं और 3-4 ये थे, यानी कि टोटल 7 से 8 लहसुन की मैंने जवे लेकर और हाफ और डिवाइड कर लिया मैंने। हाफ़ मैंने इस तरह से साबुत रहने दिया है और हाफ़ की मैंने इस तरह से 1/4 कप पानी डालकर मैंने उसकी पेस्ट बना ली। उसके बाद जो है ना, सारा मैंने लहसुन अदरक का जितनी भी था ना, मैं इसको छान लिया, सिर्फ मैंने इसका पानी रहने दिया है, यानी कि सिर्फ ये पानी है लहसुन अदरक का, बाकी जो जितना भी चीज़ें थी ना, वो जो लहसुन अदरक का थोड़ा बहुत होता है वो मैंने फेंक दिया, सिर्फ पानी है। टमाटर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के थे, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास 1 हरी मिर्च है, इसको चॉप कर ली है। गरम मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, बड़ी इलायची है 1 अदर, दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं, काली मिर्चें 8 से 10 हैं और लौंगे हैं 3 से 4। और मसालों के अंदर मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ नमक मेरे पास हसबे ज़रूरत है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1/2 टीस्पून हल्दी है, और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर 1 कप। तो अब जो है ना, इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर सारे साबुत गर्म मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। अब जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन और उसको हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए सारा चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब जो है मैं इसको फ्राई करूँगी, जब तक इसके अंदर अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए चिकन जो है ना हमारा हो चुका है, अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। चिकन जो है ना वो मैंने निकाल दिया है, अब मैं इसी ऑयल के अंदर शामिल करूँगी ये प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ में शामिल करेंगे हम इसके अंदर ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, और टमाटर भी शामिल कर देंगे हम इसके अंदर, और जो हमने रह गया है इसके अंदर पानी जो मैंने लहसुन अदरक का निकाल के अलग से रखा है, वो मैं अभी नहीं डालूंगी, मैं आपको बताऊंगी मैंने कब डालना है मैंने उस पानी को। तो अब जो है ना, मैं इसको करके थोड़ा सा मैं करूंगी इसको सॉफ्ट कर लूंगी। टमाटर प्याज डालें हमने, लहसुन अदरक डाला है, इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको, और उसके बाद जो है ना हम इसको बाहर निकाल के इसकी हमने पेस्ट बनानी है। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना सॉफ्ट कर लेती हूँ। ये देखिए ये हो चुका है, अब जो है ना मैं इसको बाहर निकालूंगी और इसके हम ना पेस्ट बना लेंगे। तो मैं बाहर निकाल कर ना अब मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ, फिर पेस्ट बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारी टमाटर प्याज निकाल कर उसकी पेस्ट बना ली है, ये देखें यहाँ पर ये पेस्ट है, और ये जो मेरे पास गर्म मसाले हैं इसको निकालने के बाद आपने पेस्ट बनानी है, इसको नहीं पीसना साथ में। मैं जो उसको गर्म मसाले ना आप इस स्टेज पर डालिएगा अभी निकाल इसको मसाले को पीसने के बाद, अभी ना पहले ना डालिएगा, मैंने डालना भूल गई थी क्योंकि आदत पड़ी है पहले गर्म मसाला डालने की, तो इसमें भूल चुकी थी तो इसलिए मैंने पहले डाल दिया, लेकिन मैंने निकाल के सारा गर्म मसाला फिर मैंने पेस्ट बनाई है। अब मैं शामिल करूँगी इसमें सारे मसाले, जिसमें हल्दी नमक लाल मिर्च और धनिया पाउडर था, इसी के साथ थोड़ा सा मैं इसको चला लेती हूँ। अब जो है हम वो जो मैंने पेस्ट बनाई है ब्लेंड कर ली थी अच्छे से मैंने, वो मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको जो है मैं 10 मिनट तो पकाऊंगी, तब तक जो है इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, तो 10 मिनट तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। देखिए 10 मिनट जो है ना वो हो चुके हैं, अभी इसका पानी जो है ना वो अच्छे से ड्राई नहीं हुआ, अभी इसके अंदर पानी मौजूद है, तो मैं ना इसको शामिल कर दूँगी अभी चिकन। चिकन डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि जो है इसका पानी वो भी ड्राई हो जाए और ऑयल वो है ना वो भी सेपरेट हो जाए। तो इसको डाल के अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। देखिए मैंने इसको अच्छे से भूना है और आप देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी इसके अंदर पालक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैंने बॉईल करके रखा था
और इसकी पेस्ट बना ली थी मैंने अच्छे से इसको आपने पीस लेना है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो है मैं इसको ढक के पकाऊँगी 10 मिनट तक के लिए। 10 मिनट जो है ना वो इसको पकते हुए हो चुके हैं। अब मैं शामिल करूँगी वो लहसुन अदरक का जो पानी जो मैंने निकाल के रखा था, 1/4 कप ये मेरे पास पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है इस एंड में डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आप ट्राई करके देखिए, अगर आपने कभी नहीं किया तो इसको ज़रूर ट्राई करें आप। एंड में डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा एक टेस्ट निकलेगा। मैंने सिर्फ इसका पानी डाला और कुछ भी नहीं डाला, यानी कि सारा जो था सब कुछ मैंने अच्छे से छानने के बाद इसका पानी डाला है मैंने। अब जो है ना मैं इसको 2 मिनट तक इसको हल्की आँच पे बिल्कुल दम पे रखूँगी और उसके बाद ही हमारा पक के तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको उसको ना सर्व करके दिखाऊंगी। सिर्फ 2 मिनट मैं इसको दम पे रख रही हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है और जो मैंने लास्ट में लहसुन अदरक का पानी डाला था ना उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर निकलता है। आपने अगर कभी नहीं डाला तो ज़रूर डाल के देखिएगा, बहुत ही मज़े का लगता है। तो बिल्कुल एक देगी टाइप का फ्लेवर आता है इसका, तो आप इसको देगी पालक भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से हम देगी शादियों वगैरह में पालक खाते हैं ना उसका वैसे ही टेस्ट निकलता है बिल्कुल। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करें तो पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।